हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रियंका। तो आज का वीडियो एक हॉल वीडियो है, जो कि है पूरा वादी हर्बल्स के प्रोडक्ट। वादी हर्बल्स मतलब एक ऐसी ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाती है, और उनके सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होते हैं। तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज ऐसे यूट्यूब पर देखे वादी हर्बल्स के लिए, तो मेरा भी थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ कि हाँ, मैं भी ट्राई करूँ वादी हर्बल के प्रोडक्ट्स, आखिर वो कैसे होते हैं। और माय गॉड, मुझे बहुत पसंद आए। और इसके आगे मैं आपको पूरा शो भी करती हूँ मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए और उसकी रेंज क्या क्या है और वो कैसा काम करता है, बिकॉज मैंने यूज करने के बाद ही उसका एक हॉल वीडियो बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। Forgot to follow me on my all social sites. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो मैं आज बात कर रही हूँ वादी हर्बल्स के प्रोडक्ट की। मैंने सारे प्रोडक्ट्स नायका से लिए हैं, और वादी हर्बल के प्रोडक्ट ऐसे भी मतलब बहुत कम रेट के होते हैं, मतलब सारी रेंज 50 to 60, 70 ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेंज के नहीं होते। फिर भी नायका पर डिस्काउंट चला था, तो मुझे उसमें भी ऑफ मिल गया, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। चाहे 2 रुपये बच जाए, चाहे 20 रुपये बच जाए, हमें गर्ल्स को ऑफ तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट आपके सामने शो करी, मैंने लिया है वादी हर्बल्स का एंटी एक्ने क्रीम। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग पैकेजिंग है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी रहेगा। इसकी MRP मैं बता देती हूँ, इसकी MRP है 58 रुपीज। और ये अंदर से कैसा दिखता है, ये बहुत क्यूट सा, देख सकते हो इसकी पैकेजिंग है, और कितनी प्यारी सी ये टब टाइप की बॉटल है। और इसको मैंने यूज़ किया है, मैंने इसको ओपन किया था, मुझे एक्नेज हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, तो मैं इसी को लगा रही हूँ। तो ये अच्छा है, मतलब ये इफेक्टिव है, और मुझे थोड़ा सा इसका रिजल्ट भी मिल रहा है, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट। एंड देन सेकेंड है वादी हर्बल्स की अंडर आई क्रीम। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, और ये अंडर आई क्रीम विथ आलमंड ऑयल एंड कोकुम्बर एक्सट्रैक्ट है। इसकी हमारी 68 रुपीज़। अगर आप चाहेंगी तो मैं इंडिविजुअल रिव्यू भी अंडर आई का बना सकती हूँ। तो इसकी भी वादी हर्बल के सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग लगभग सेम है, टब लाइक पैकेजिंग है, और आप इसको देख सकते हो कि मैं इसको कितना मैंने यूज़ किया हुआ है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है मैंने इसको कितना यूज़ किया, क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैं बायोटिक का यूज़ करी थी अंडर आई क्रीम, उससे मुझे फ़ायदा हुआ, बट मैंने सोचा कि मैं वादी हर्बल्स ट्राई करूँगी। लिटरली आई एम वेरी इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट, वेरी वेरी वेरी। एंड थर्ड प्रोडक्ट इज वादी हर्बल का फूट एल्बो फूट नी स्क्रब सोप, रिमूव डर्ट, डार्क स्पॉट, डेड स्किन। ओ माई गॉड, इसका MRP है 29 रुपीज़ में, मुझे मिला है इसका MRP 32 रुपीज़ है, और ये इतना अच्छा मतलब एक्सफोलिएटर है, आप कह सकते हो आपकी बॉडी के लिए, आप पूरी बॉडी में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये इतना मतलब अफोर्डेबल भी और इतना अच्छा वर्क करता है, ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट, इसको तो आप ज़रूर 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 ट्राई करना। एंड देन फोर्थ प्रोडक्ट पर आते हैं, मैंने लिया है वादी हर्बल का फूड स्क्रब। पैकेजिंग सबकी सेम है और स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है। ये फूड स्क्रब विथ फेनोग्रीक एंड लेमन ग्रास। इसको मैंने एक बार ट्राई किया है, बट मैं इसके रिजल्ट से क्वाइट इम्प्रेस हूँ, बिकॉज फूड स्क्रब इस रेंज में इसका रेट मैं आपको बता दूँ, ये 48 रुपीज़ का है, और पैकेजिंग सेम क्यूट सी। तो मैंने इसको एक बार ट्राई किया, आप देख सकते हो, और ये देखो काफ़ी खाली हुआ है, बिकॉज फूड में ज़्यादा लगता है, बट ये मेरे फूड को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर दिया, उसने रिमूव कह सकते हो, जैसे फूड पर भी टैनिंग हो जाती है, डर्ट हो जाता है, तो इसको ये बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया इसने। और ऐसा नहीं कि मैं कोई भी प्रोडक्ट्स का ऐसे ही रिव्यू दे रही हूँ, मैंने आप सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि ओपन है, तो मैंने यूज़ किया है पर्सनली, इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप सोच रहे हो अगर वादी हर्बल्स के लेने के लिए, तो आप ज़रूर ले सकते हो। एंड देन मैं लिया है मैंने वादी हर्बल का फूड क्रीम। ये क्लेम करता है, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स है विथ क्लोव ऑयल एंड सैंडलवुड। इसकी MRP है 48 रुपीज़। इसका मैं ओपन करके दिखाती हूँ, और कोई भी प्रोडक्ट का अगर आपको सिंगल रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, मैं उसका ज़रूर एक सिंगल से रिव्यू बनाऊंगी। तो ये भी बिल्कुल ये सील है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, जिसको नहीं यूज़ किया उसको नहीं यूज़ किया है, बिकॉज फूड क्रीम में मैं यूज़ कर रही थी हिमालय की फूड क्रीम, और उसका भी मैंने एक रिव्यू शेयर किया है, इधर आई बटन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। वो मतलब मेरे क्रैक फीट्स हो रहे थे, और मैंने जब उसको ट्राई करना शुरू किया, तो 6 से 7 दिन में ही मेरे खत्म हो गए, तो मुझे इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ होगा, मेरे पैर के क्रैक फीट्स होंगे, तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी।
एंड देन मैंने इसके बाद लिया है वादी हर्बल का एक डिफाइनिंग मॉइस्चराइजर, ये है बाम्बू विद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। इसका एम आर पी है 65 रुपीज। और इसके कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसा है, ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। और इसकी स्मेल मैं आपको क्या बोली, ये लिटिल मतलब आर्टिफिशियल बाम्बू की स्मेल है, बट ये मतलब जिनकी ऑयली स्किन है प्लीज इसको ना ले, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयल प्रोड्यूस करता है तो ये थोड़ा देर, लेकिन जिनकी ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो इसको एकदम ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। आप मेकअप से पहले अगर मॉइस्चराइजर यूज करना चाहे तो भी आप इसको कर सकते हो, ये मस्ट 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 ट्राई। एंड देन इसके बाद मैंने लिया है वादी हर्बल का पोर क्लिंजिंग मिल्क, इसकी एम आर पी है 69 रुपीज। और ये 110 ml का पैक है और ये एलो एक्सट्रैक्ट विथ एलोवेरा विथ लेमन एक्सट्रैक्ट है। और ये इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है और ये बहुत अच्छे से ये भी अब्सॉर्ब हो जाता है। और ये बहुत अच्छा क्लिंजिंग मिल्क है, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक क्लिंजिंग मिल्क यूज करी थी कुछ दिन पहले तो मुझे वो भी इम्प्रेसिव लगा। और मैंने हो सकता बहुत पहले शेयर भी किया होगा वीडियो, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो आयुर्वेदिक क्लिंजिंग मिल्क का भी, बट इससे मैं काफी इम्प्रेस हूँ। इसमें इसकी स्मेल में ही एलोवेरा की स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस माइल्ड एलोवेरा की है, फ्रेग्रेंस बहुत हल्की है तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और लिटरली मुझे स्मेल बहुत 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 पसंद। एंड देन मैंने लिया है वादी हर्बल की फेयरनेस क्रीम, ये आती है विद सैफ्रॉन एलोवेरा एंड टर्मरिक फॉर ए पर्ली वाइट स्किन, इसकी एम आर पी है 40 रुपीज। और इसको मैंने नहीं ट्राई किया बिकॉज मुझे फेयरनेस क्रीम्स के तो उतने शौक है नहीं, क्योंकि आजकल इतना बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, लाइट फाउंडेशन, लाइक फेयरनेस क्रीम तो कौन पूछता। वैसे भी मैं किसी फेयरनेस को प्रमोट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जिसकी स्किन का कलर जो है वो ब्यूटीफुल है, तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया। ये सील पैकेजिंग है बट मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि मैंने लिया ही है ट्राई करने के, नहीं तो मैं लेती नहीं, बट अभी तक किया नहीं तो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। एंड देन इसके बाद मैंने लिया है वादी हर्बल्स का एक और सोप, फिर से कुछ गिरा, वादी हर्बल्स का एक और सोप, ये है, ये ऐसा है बॉक्सेस का, एंड वादी हर्बल एक्सट्रीम लेमन ग्रास स्क्रब सोप विद चारकोल, और ये हैंडमेड सोप है विद एसेंशियल ऑयल। और इसका एम आर पी है 44 रुपीज ओनली, जो कि इसमें एसेंशियल ऑयल भी है, चारकोल भी, और हाथ से बना हुआ है। बहुत सारे आपको हैंडमेड सोप मिलेंगे नायका के भी, बट वो थोड़े से कॉस्टली, थोड़े का थोड़ा ज्यादा ही कॉस्टली, 350 के आते हैं, और ये है 44 रुपीज का ओनली। तो इसको आप ट्राई, इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट सोप होता है लाइट ग्रीन कलर का और नीचे से इस पर स्क्रब पोर्शन रहता है, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से ट्राई किया, अच्छी तरह लगा, इवन ये खत्म हो गया, बस मैंने इसका बॉक्स रखा है, आपको दिखा सकते इसमें है नहीं सोप, क्योंकि मैंने यूज कर लिया है। एंड देन मैंने लिया है वादी हर्बल का मॉइस्चराइजर रिच वेलवेटी विथ द पिंक रोज एक्सट्रैक्ट, ये इसको मैं यूज करती हूँ मतलब आप कह सकते हो डेली, बिकॉज मैं जब भी अपना सीटीएम पूरा कर लेती हूँ तो मॉइस्चराइज के लिए सीटीएम में टी के बाद एम वाली चीज में ये, तो ये इसका कलर भी पिंक कलर का, मतलब रोज एक्सट्रैक्ट है तो पिंक कलर का है, निकल जाओ यार, हाँ ये पिंक कलर का आप देख सकते हो। और इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल रोज जैसी ही है बिकॉज इसमें रोज एक्सट्रैक्ट है, और ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, ये एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लेता है बट लेकिन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको स्किन पे पता भी नहीं चलेगा इसको लगाने के बाद। और वही है कि ऑयल स्किन वाले अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज थोड़ा सा ऑयल प्रोड्यूसिंग है मॉइस्चराइजर, तो आपको ऐसा लेना चाहिए जो आपके फेस पर ऑयल प्रोड्यूस है, बट कॉम्बिनेशन है, देखो कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया पता भी नहीं चला कि मैंने कुछ अप्लाई किया है, तो ये भी अच्छा है। और इसको मैं ट्राई, इसको तो मैं डेली लगाती हूँ बिकॉज मैं दो ही मॉइस्चराइजर मेरे पास है, रिसेंटली दो है, एक वादी हर्बल्स का मॉइस्चराइजर है और एक हिमालय का मॉइस्चराइजर है, जो कि मैंने इस लुक को क्रिएट करने के लिए, राखी लुक को क्रिएट करने के लिए यूज भी किया है, तो आई बटन का लिंक मिलेगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करना उस वीडियो को। एंड देन लास्ट मैंने लिया है वादी हर्बल का एंटी एजिंग क्रीम, यस यस यस, एंटी एजिंग क्रीम मेरे लिए नहीं है, मैं आई एम जस्ट 21 तो मैं एंटी एजिंग क्रीम्स यूज नहीं करती, है मेरी मॉम के लिए है। और इसकी एम आर पी मैं पहले बता दूँ, इसकी एम आर पी 68 रुपीज, और मुझे 65 का ही शायद पड़ा था क्योंकि ऑफ था, और इसको आप देख सकते हो ये देखो इतना खत्म हो गया। और इसके कलर बहुत प्यारे, अंदर से बिल्कुल पिंक कलर का है, तो इसका इसमें क्या विद आलमंड बीट जम एंड रोज एक्स्ट्रा, ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो 30 ग्राम्स के, मैंने ग्राम्स नहीं बताए, 30 ग्राम्स के हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी के
फेस पे इधर हाइपर पिगमेंटेशन हो गई थी, तो इसको ये रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो आप अगर अफोर्डेबल मेकअप में, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में कुछ ढूंढ रहे हो और जो कि नेचुरल हो और महंगा भी ना हो और काम भी करे, तो आप वादी हर्बल्स के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो जो कि अच्छे भी होते हैं और वर्किंग भी होते हैं। हाइयर प्रोडक्ट से आपको भी नीचे आकर भी देखो, हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको वैसे अच्छे मिल जाए। तो दैट्स इट अबाउट वादी हर्बल्स। मैंने जितने प्रोडक्ट्स लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हो सकता है एक आप मिस हो गया होगा बिकॉज वो खत्म हो गया होगा, मेरी मम्मी ने उसको फेंक दिया होगा उसका बॉक्स, हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेड बटन को हिट करके, और बगल में जो बेल आइकन उसको जरूर क्लिक करना, क्योंकि मैं कोई भी अगर वीडियो अपडेट करूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाली। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है सब्सक्राइब करने से चार्ज लगते हैं, बहुत लोग पूछते हैं अरे ऐसा तो नहीं मेरे पैसे कट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं प्रियंका मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।